इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर शांति चाहते हो, कानून व्यवस्था चाहते हो, तो जो हम कह रहे हैं पहले हमारी संतुष्टि कर दो, वरना हम बॉडी लेकर। तो सुना आपने कैसे बागपत के बीजेपी विधायक खुलेआम पुलिस अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। बीजेपी विधायक यही नहीं रुके, अपने रौब का गुणगान करते हुए उन्होंने आगे क्या कहा, अब वो सुनिए। वरना हम बॉडी लेकर के चाहे 10 दिन भी हो जाएंगे, मैंने 8 दिन तो रेल की पटरी पर रख दी थी बॉडी, आपको ये पता होना चाहिए। मेरा जरा उस पर जाओ गूगल पे, मेरा तो जब भी मर गया थी, जब भी मैं ये आया यहाँ वही बीज बोएगा। सुनो भाई, या फिर आप अगर कुछ करोगे तो फिर मैं आपकी बात सुन सकता हूँ। बोलो क्या है आपका जवाब। सत्ता के नशे और घमंड में चूर विधायक महोदय मानो अपनी मर्यादा ही भूल गए हैं। प्रशासन को अपनी जेब में लेकर चलने का तो इन्हें शौक है। ये तो रही बात बीजेपी विधायक के सत्ता के नशे की, अब हम आपको इसकी वजह बताते हैं कि विधायक जी यूपी पुलिस को खुलेआम धमका क्यों रहे हैं। दरअसल मंगलवार को ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने इनामी बदमाश सुमित गुर्जर को मुठभेड़ में मार गिराया था। मुठभेड़ ग्रेटर नोएडा के चाई-3 कासना क्षेत्र में हुआ था, जिसके बाद से ही गुर्जर समाज ने सड़क जाम कर हंगामा काटा, फिर इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग भी की, जिसके बाद जनता के प्रतिनिधि और बीजेपी विधायक पहुंच गए पुलिस अधिकारियों के पास और सुनाने लगे अपने एक और कारनामे की कहानी, और इसके साथ ही पुलिस को चुनौती भी दे डाली। मुझे सबके खिलाफ कार्रवाई चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा चाहिए, एफआईआर करा सकते हो अभी तो ठीक है, वरना हम बॉडी लेकर के, और मैं ऐसा आदमी हूँ कि लगातार भी बैठ सकता हूँ। हाँ, जो राजस्थान में रेल की पटरियां उखड़ी वो मैंने उखड़ी थी, वो आंदोलन मेरा स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। तो सुना आपने, राजस्थान में जो पटरियां उखड़ी थी वो भी माननीय विधायक जी का ही कारनामा था, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि विधायक महोदय खुद ही अपना बखान कर रहे हैं। ये तस्वीरें एक बार सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ को जरूर देख लेनी चाहिए। कानून व्यवस्था और राम राज्य की बात करने वाले सीएम साहब को अपने विधायकों की इस करतूत को जरूर देख लेनी चाहिए। मदन बालियान के साथ अनुज मित्तल, अमर उजाला टीवी, बागपत।